उत्तराखंड और पंजाब के बारे में मैं दावे से कह सकती हूँ, हमारा पड़ोस का भी मामला है, कि हमारी सरकार बहुत अच्छी तरह से बनेगी। रही बात उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में आपने देखा है कि पिछले कुछ अरसे में ख़ास तौर से बहुत मेहनत कांग्रेस पार्टी द्वारा और हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने खुद बागडोर संभाल कर कार्य किया है। और जो नई बात लोगों को पसंद आ रही है वो ये है कि महिलाओं को किस तरह से प्रोत्साहित करके 40% सीटें महिलाओं को दी हैं, युवाओं के रोज़गार की बात कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। और जो बहुत बड़ा एक मुद्दा है महिलाओं की सुरक्षा का, गरीबों की सुरक्षा का, उस बात को उठाया और किसी विपक्ष के और किसी नेता ने ये बातें नहीं उठाई, बड़े बड़े कांड हुए। यूपी में भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी, बड़े बड़े इश्तेहार निकालते हैं, बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन लोगों के मन से ये उतर चुके हैं, ये भी जानते हैं। तभी आप देखते हैं जगह जगह जाकर इनके नेता अलग अलग तरह के ऐसे बयान दे रहे हैं। अगर इन्होंने इतना विकास किया होता तो ये अपने विकास के नाम पर वोट मांगते, आज के दिन विकास के नाम पर नहीं वोट मांग पा रहे हैं ये, और फिर लोगों को आपस में दरार डालने की बातें की जा रही हैं, चाहे धर्म के आधार पर हो चाहे जाति के आधार पर। तो वहाँ पर कांग्रेस पार्टी का बेहतरीन प्रदर्शन होगा। नहीं नहीं, देखो कांग्रेस पार्टी अपने दम पे चुनाव लड़ रही है, इन दोनों का अपना अलग गठबंधन है। बाकी कांग्रेस पार्टी हमारा, कांग्रेस का जो आप देखते हैं हमारे संस्कार ऐसे हैं कि हम कड़वाहट व्यक्तिगत रूप से कभी कांग्रेस पार्टी लेकर नहीं आई। आपस में राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी हो सकते हैं लेकिन एक स्तर रहना चाहिए आपस में, और उसी की मिसाल आपने देखी प्रियंका जी और हमारे जो बड़े नेता, ये तो जो कड़वाहट और जहर और आपस में सदाचार ना रखने की परंपरा तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की है। हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें सिटी लाइफ हरियाणा। फेसबुक पर भी हरियाणा की हर अपडेट के लिए सिटी लाइफ हरियाणा पेज को लाइक करें।